डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 7 का हिंदी बुक है, चैप्टर 15 ईदगाह, और इसके दो पार्ट मैं दे चुका हूँ। उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है और कुछ बाकी है, जिसमें आज ये अंतिम पार्ट है और इसको मैं कंप्लीट ख़त्म कर देना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बाकी क्वेश्चन है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आशय स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो कम्प्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है, किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे 4 दिया हुआ है, जिसका आशय स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, आशय स्पष्ट करो। तो फर्स्ट नंबर में जो दिया हुआ है, इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है, किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, बूढ़ी अमीना अपने अंधेरी कोठरी में बैठी निराशा में डूबी जा रही थी। उसके दिमाग में कई प्रकार की बातें उठ रही थी। ऊपर वाला भी उसके प्रति कितना निर्दयी हो गया है। पिछले वर्ष उसका बेटा हेजे की भेंट चढ़ गया, फिर कुछ दिनों बाद उसकी बहू भी नहीं रही। उसका एक उसका पोता है हामिद, वह कैसे उसका देखभाल कर सकेगी। ऐसी परिस्थिति में कई पर्व त्यौहार भी आ जाते हैं। त्यौहारों में कई प्रकार के खर्च होते हैं। जिसके घर अन्न का एक दाना नहीं, वह कैसे ईद मनाएगा। इसलिए बूढ़ी अमीना ईद को कोसती है। क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे दिया हुआ है, हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लंबी लड़ी में पिरोए हुए हैं। इसका आंसर है, ईदगाह में पहुँचे सभी रोजेदार पंक्तियाँ बनाकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ धन और पद को कोई नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सभी बराबर हैं। पंक्तियाँ एक के पीछे एक ना जाने कितनी लंबी चली गई है। सभी एक साथ नमाज पढ़ते हैं और आपस में गले मिलते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सभी एक साथ मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे सभी भाईचारे के एक सूत्र में बंधे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया हुआ है, बड़ों की दुआएँ सीधे अल्लाह के दरबार में पहुँचती है और तुरंत सुनी जाती है। ईदगाह पाठ की दी हुई इस पंक्ति का भाव नन्हे हामिद के मन में उठता हुआ विचार है। उसके मित्र खिलौने की दुकान में जाते हैं, मिठाई के दुकान में जाते हैं और अपनी अपनी पसंद के खिलौने व मिठाई लेते हैं। हामिद को भी यह सभी चीज़ें लेने की इच्छा होती है, परंतु वह जानता है कि खिलौने या मिठाई क्षण भर की चीज़ है। वह अपने पैसे से कोई ऐसा वस्तु लेना चाहता है जो घर में काम आ सके। वह अपने घर की स्थिति को देखते हुए एक चिमटा खरीद लेता है। उसके मन में यह विचार उठता है कि जब उसकी दादी यह देखेगी कि हामिद चिमटा लाया है तो उसे हजारों दुआएं देगी। बड़ों की दुआएं अल्लाह के दरबार में तुरंत सुनी जाती है, अर्थात उसका फल तुरंत प्राप्त होता है। इसके आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है, बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया, बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। ईदगाह पाठ की यह पंक्ति अमीना के मनोदशा का वर्णन करती है। सभी माता पिता अपने बच्चों को खुश करने के लिए पैसे खर्च करते हैं। माता पिता को यह पता है कि झूले में झूलना या खिलौने खरीदना पैसों की बर्बादी है, किंतु बच्चों की खुशी से बढ़कर पैसे नहीं हैं। अमीना का विचार भी ऐसा ही है। उसे भी आशा थी कि हामिद भी कोई खिलौना लाएगा। ऐसा ना होता देख अमीना क्रोधित हो गई। जब वह हामिद के विचार को सुनती है कि वह उसका ख्याल करते हुए चिमटा खरीद लिया है, तो तुरंत ही बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल जाता है। उसे जिस बात की उम्मीद नहीं थी, हामिद की सोच उससे भी अधिक बड़ी थी। तो यहाँ पे आशय स्पष्ट करने का क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, भरने के लिए कहा गया है और इसमें क्या भरा जाएगा उसके लिए यहाँ पे शब्द दिया हुआ है। क नंबर में हामिद के चिमटे का देश सभी पर पड़ा, तो क नंबर में क्या हो जाएगा, प्रभाव। हामिद के चिमटे का प्रभाव सभी पर पड़ा। उसके बाद सभी बच्चे ईदगाह जाने को डेस थे, उत्सुक थे। यहाँ पे ख नंबर में उत्सुक हो जाएगा। गहनों की दुकान में बच्चों को कोई डेस न था, तो क्या नहीं था, आकर्षण नहीं था। उन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं था गहनों की दुकान में। और चिमटा देखकर दादी कितनी डेस होगी, दादी कितनी प्रसन्न होगी। यहाँ पे प्रसन्न आ जाएगा घ नंबर में। और अंगा नंबर में ईद हमें डेस का संदेश देती है, तो ईद हमें भ्रातृत्व का संदेश देती है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे मुहावरे दिया हुआ है, नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो यहाँ पे मुहावरा लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुहावरों का अर्थ लिखकर यहाँ पे उसका वाक्य भी बना दिया गया है।
फर्स्ट में दिया हुआ है चूर चूर हो जाना, अभिमान का अंत होना, अभिमानी का अभिमान एक दिन चूर चूर हो जाता है। इसके आगे दिया हुआ है ललचाई आंखों से देखना, लुभावने नज़र से देखना, बच्चे दुकान में रखे मिठाई को ललचाई आंखों से देख रहे थे। आंख उठाकर देखना, ध्यानपूर्वक देखना, सबको जब पता चला कि उनका प्रिय नेता आ गए हैं तो सभी उधर ही आंख उठाकर देखने लगे। बाल बांका ना कर सकना, हानि ना कर पाना, जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करे उसका बाल बांका कौन कर सकता है। रंग जमाना, अपना प्रभाव डालना, मेरे जन्मदिन के अवसर में मेरे दोस्तों ने रंग जमा दिया। मन गदगद हो जाना, अति प्रसन्न हो जाना, अपने बच्चों का अच्छा रिजल्ट पाकर माता पिता का मन गदगद हो गया। बेड़ा पार लगाना, संकटों से छुटकारा पाना, ईश्वर सबका बेड़ा पार लगाते हैं। इसके आगे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में विलोम शब्द लिखने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे शीतल दिया हुआ है, शीतल का क्या हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा, असंभव का संभव, प्रसन्न का अप्रसन्न, स्वर्ग का नर्क हो जाएगा और मृत्यु का जीवन हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका आंसर जो है आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे पूरा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। यहाँ ये जो पिक्चर हम लोग देख रहे हैं ये प्रेमचंद का है, जिन्होंने इस कहानी को लिखा है और ये बहुत ही फेमस राइटर हैं। तो इसी के साथ यह कहानी, यह चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसे शेयर कीजिए, और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।